ओ भाई चलो बुलावा आया है, डीओ ने बुलाया है। दिल्ली चलो, दिल्ली के लिए कई सारी खास बातें हैं। मतलब दिल्ली में हमारा दिल है, हमारा कैपिटल है, डीयू है, JMI एंड JNU है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से बेचैनी हो रही थी, तो फाइनली अपनी बेचैनी को दूर कर लेते हैं। डेली यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको इस पूरे काउंसलिंग जर्नी में स्टार्टिंग में एक बात बताना चाहूंगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो आपको बड़े ही पीसफुली काउंसलिंग कराएंगे, जैसे इसमें एक आता है DU और एक आता है JNU। बाकी तो आपको साथ रुला दें, कहीं पे पैसे ज्यादा लगेंगे, कहीं पे ठीक से पोर्टल उनका काम नहीं करता है, ठीक से उनका मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज हो रहा है, तो एडमिशन में लेट कर रहे हैं, तमाम चीजें। तो आप अगर मुझे देख रहे हो तो मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। जहां भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेवल पे आपकी जरूरत होगी मैं वहां अवेलेबल रहूंगा। इवन कई बार हम लोग को ट्विटर पे कंपेनिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज इस पूरे प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली ये DU का जो पोर्टल है PG के लिए जो ओपन हुआ है 2024 के लिए, ये कब तक ओपन रहेगा, क्या क्या वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं इस पोर्टल पे आपके लॉगिन के लिए जरूरत है, और कौन कौन से कोर्सेज हैं, तमाम चीजें। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे, जिसमें ये जानेंगे कि एक्चुअली फॉर्म फिलअप कैसे करना है। स्टार्टिंग में आपके लिए एक वार्निंग है, प्लीज ऐसा नहीं है कि इसने अपना पोर्टल ओपन किया है तो आप एकदम दौड़े दौड़े जाओ और कूद पड़ो और एकदम जल्दी से फिलअप करने के चक्कर पड़ जाओ। अभी देखो आया है, अभी रात में आया है, कम से कम इसको 24 घंटे सांस लेने दो, थोड़ा बड़ा होने दो। जब ये बड़ा हो जाएगा तब हम लोग फाइनली अपना पोर्टल ओपन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखो ये है, यहाँ पे हम लोग देखो स्टार्टिंग में ना DU जब सर्च करते हैं तो कई सारे यहाँ पे पोर्टल लिंक ओपन हो जाते हैं। तो ध्यान देना हम लोग को ये वाला ओपन करना है जिसमें UOD लिखा हुआ है। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये लिंक, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जहां से आपके पास ऊपर ही देखो लिंक आ रहा है यहाँ पे PG के लिए CSES 2024। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे ये आपके पास पोर्टल आ गया। अब यहां से क्या करना है, लॉग इन करना है, लेकिन लॉग इन करने से पहले क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली सबसे बेसिक चीजें यहाँ पे क्या मांग रहा है, CUT एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड, ठीक है, और रजिस्टर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया है वो बेसिक चीजें क्या क्या इनके यहाँ लगनी है। ठीक है, तो फोटोज होंगे, सिग्नेचर होंगे, वो स्कैंड आपके पास होगा ही, वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 250 यानी 250 रुपए लगना है, जो कि नॉन रिफंडेबल मनी, यानी ये पैसे आपसे आपको कभी भी वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये पैसा आपके एक बार अकाउंट चला गया तो चला गया। और यहाँ पे SC ST PW के लिए 100 रुपीज रखा गया। ठीक है, कोई सुपर न्यूमेरी सीट यानी स्पोर्ट्स कोटा का यूटिलाइज करना चाहता है तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा किसी भी कैटेगरी में आता हो। और प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं लाइक MFA है, इस तरीके के कोर्सेज हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BPED वगैरह। ठीक है, तो उनके लिए 400 एक्स्ट्रा पेमेंट एडिशनल लगेगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है उसको जानने के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा बैक करके पहले आते हैं और कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं इनके बुलेटिन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जो इनका प्रोस्पेक्टस है एक्चुअली, उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या है ये हम लोग जानेंगे। ये इनका प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, इसको हम लोग नीचे ले जाते हैं स्क्रॉल करके। और कुछ बेसिक चीजें जैसे मैं आपको बताया पेमेंट को लेके यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट में ये बोला जा रहा है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप करो, अभी आगे चल के इसके लिए डेट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि ये फॉर्म आप लोग बेसिकली डेस्कटॉप या लैपटॉप से फिलअप करें, ना कि मोबाइल से, क्योंकि ये पूरा जो पोर्टल है, जो आइकन है, जो डैशबोर्ड है, हो सकता है विजिबल ना हो आपके मोबाइल में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि आप प्लीज जिस भी कॉलेज को एज ए प्रिफरेंस में फिलअप करें, उन कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस कोर्स की फी वगैरह आप लोग बेसिकली जान लें, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में, अगर आप मेरे वीडियोस देखे होंगे तब। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्म के लिए फिलअप करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स है। पहली बात आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है, बेसिक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई टू प्रोग्राम्स, फिर पे आपके पास जो
फी रजिस्ट्रेशन होगा वो आप करोगे, ठीक है। उसके बाद आप बैक होकर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाओगे, मैं आपको दिखाया था यहाँ पे ना, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाओगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी प्रोफाइल वगैरह ये सब जो है वो सब फिलअप करोगे, जिसमें ये बेसिक चीजें रहेंगी वो सब फिलअप करना रहेगा, पेरेंट्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स। ध्यान देना है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, बैंक डिटेल आपका होना चाहिए, इसमें आप लोग कोई लापरवाही मत करना, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्शन, अपलोडिंग में क्या क्या लगेगा, ये सब चीजों को यहाँ मेंशन है, ठीक है। आप लोग प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना, जिससे कि आपका कोई भी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आए, आपको भी समझ में आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे अपलोड्स हो गया, अपलोड्स के बाद यहाँ पे प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा, फिर सबमिट एंड लॉक कर देना, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि आप लोग एलिजिबिलिटी बेसिकली चेक कर लें, जिस भी कोर्स में जा रहे हैं सीयूटी पीजी में जो एग्जाम दिए हैं उस कोर्स की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये पूछ, ये पहले से आपको बताया जा रहा है बार बार कि आपको करना है, ठीक। कन्फर्म फॉर एलिजिबिलिटी प्रोवाइडिंग प्रेफरेंसेज, फिर आपको प्रेफरेंसेज उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाने हैं, एकेडमिक सेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें आपको बेसिक, अब क्या चीज जरूरत है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मैं इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा ही, इसलिए मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक मैं आपको ओवरव्यू दे दिया कि हाँ ड्यू पोर्टल ओपन हो गया है, आप जाके इस प्रोग्रेस पर पढ़ो, प्रोग्रेस पर को पढ़ लो। अब यहाँ पे शाम तक मैं स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, यानी एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल लेके और उनका फॉर्म कम से कम दो तीन यूनिवर्सिटी को चूज करके या पूरी यूनिवर्सिटीज को किसी कुछ कोर्सेज को लेके फिलअप करूंगा, और उस वीडियो को आप लोग देखना, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, तो कोई गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो प्लीज आप जाएं और अभी इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, जिससे बच्चे मेंटली अवेयर हो जाए कहाँ सीयूटी पीजी के थ्रू डीयू के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है और आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन फॉर्म फिलअप का जो वीडियो है वो मैं शाम को दूंगा, प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, मेरा इंस्टा आईडी निदर्शन, वहां पे प्रॉब्लम अपना शेयर कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।